इंडियन क्रिकेट टीम घोषित हो गई है एशियन गेम्स में खेलने के लिए। बीसीसीआई ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी है। इसके साथ आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई युवा प्लेयर्स को मौका मिला है। तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इस टीम को शिखर धवन लीड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बता दें कि इस टीम में सारे युवा प्लेयर्स को मौका दिया गया है। ऋतुराज के साथ इस टीम में यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह का भी नाम है। इन सारे प्लेयर्स ने आईपीएल 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके साथ टीम में जितेश शर्मा और प्रभसिमरन सिंह के रूप में दो विकेट कीपर्स को शामिल किया गया है, जबकि ऑलराउंडर्स के रूप में इस टीम में शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और शहबाज अहमद को जगह मिली है। टीम की पेस बॉलिंग में आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी ये सब संभालेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में रवि बिश्नोई को जगह मिली है। सुंदर और शहबाज भी स्पिन बॉलिंग करते हैं। इनके साथ स्टैंड बाई प्लेयर्स के रूप में यश ठाकुर, साई किशोर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा और साई सुदर्शन को शामिल किया गया है। T20 फॉर्मेट में होने वाला ये इवेंट 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेला जाएगा। रिंकू और प्रभसिमरन को पहली बार टीम इंडिया में चुना गया है। इससे पहले वेस्ट इंडीज टूर की टीम आने के बाद रिंकू के नाम पर खूब बात हुई थी। लोगों ने उन्हें ना चुने पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से रिपोर्ट्स थी कि बीसीसीआई रिंकू को एशियन गेम्स की टीम में मौका देगी और ये बात सही भी साबित हुई। इससे पहले सोर्सेस के हवाले से लगातार खबरें चल रही थी कि शिखर धवन इस टीम को लीड करेंगे, जबकि कोचिंग का जिम्मा वीवीएस लक्ष्मण को मिलेगा, लेकिन सेलेक्टर्स ने एकदम युवा टीम चुनी और धवन को मौका नहीं मिला। इसके साथ ही बीसीसीआई ने विमेंस टीम का भी ऐलान किया। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम की वाइस कैप्टनसी स्मृति मानधना को सौंपी गई है। इनके साथ शिफाली वर्मा, जमाइमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, देविका वैद्य, अंजलि सरवनी, तीता साधु, राजेश्वरी गायकवाड़, मीनू मणि, कनिका आहूजा, उमा छेत्री, अनुषा बरेड्डी। इनके साथ स्टैंड बाई में हरलीन देवल, काश्वी गौतम, स्नेह राणा, साइका इशाक, पूजा वस्त्राकर को रखा गया है। चाइना तीसरी बार एशियन गेम्स को होस्ट करेगा। इससे पहले 1990 में बीजिंग, जबकि ग्वांगझू में 2010 के एशियन गेम्स हो चुके हैं। ये एशियन गेम्स का 19वां एडिशन है और उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय दल यहाँ से खूब सारे मेडल्स के साथ लौटेगा। एशियन गेम्स में क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स में भी भारतीय चुनौती काफी मजबूत है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने, मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।